there are linguistic minorities, ethnic minorities, religious minorities. फिर उसके बाद आप सूबों में आते हैं तो हर सूबे के different dynamics हैं. कुछ सूबे में आपको ethnic minorities मिलती हैं, कुछ सूबे में आपको वो minorities मिलती हैं जो resources के हवाले से backward रह चुकी हैं, उन्हें वो सहूलियात नहीं दी गई which they were constitutionally entitled to have. ठीक है जी. फिर बलोचिस्तान आ जाता है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के जितने मसाइल हैं हम खुद हल करते हैं. ठीक है, फौज की इंटरफेरेंस नहीं है. फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड थिंक्स अदरवाइज. उनका ये कहना है कि इस खत्ते की इंटीग्रेशन के लिए यह जरूरी है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट फोर्स. उन्हें अपने रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पे इतराज है. वो रिजर्वेशन रखते हैं कि गैस हम प्रोवाइड करते हैं, मादनियात हम प्रोवाइड करते हैं, इस मुल्क को ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए हमारे खत्ते का एक किरदार ग्वादर यहाँ बदल रहा है. सी पैक आपको खोल उसकी सारी की सारी बुनियाद इस सूबे से. लेकिन यहाँ पे आपको कोई बड़ी बिल्डिंग्स को भी नजर आती, यहाँ आपको रोड्स को भी नजर आती, आपको हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज को नहीं मिलेगा. द होल प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 24% ऑफ द टेरिटरी ऑफ योर कंट्री हैज ओनली वन मेडिकल कॉलेज. ठीक है जी. तो इस हिसाब से उनके भी वो फिर कहते हैं इन सारी चीजों की वजह से ना फिर जन्म दिया है पेरोकियल पॉलिटिक्स. ठीक है, आपको इसे उर्दू में कहते हैं इलाकाई सियासत. हम कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में कोई भी सियासी जमात इन इट्स ट्रू सेंस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. हर सियासी जमात की सिर्फ एक खास सूबे में बेस है. ठीक है, नेशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. रीजन ये इश्यूज है, तमाम सियासी जमातें इन्हीं इश्यूज पे प्ले करती हैं. वो रिस्क नहीं लेती कि हम इन इश्यूज के बजाय तमाम कंट्री के लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करें कि क्या हम इसमें कामयाब हो सकते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी बेस बनाने से पहले सबसे पहले वो जिन वोटर्स को कंजर्व करने की प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो उनका अपना वोट प्रॉब्लम्स है. अवामी नेशनल पार्टी की बेस उनकी पॉलिटिक्स नेशनल नहीं है, उनके इश्यूज जो डोमिनेंट इश्यूज हैं जो डोमिनेट कर जाते हैं उनकी पोलिटिकल एक्टिविटीज को वो उनके सूबे के उनके रीजन से स्पेसिफाइड इशू. बलोचिस्तान से जितनी सियासी जमात है वो सारी की सारी करोगी है, उनके इश्यूज भी ठीक है. मसला ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी जमात जो एक सूबे से ओरिजिनेट हुई है वो दूसरे सूबे के मसाइल को उतने ही दर्द दे के आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब नहीं है. ठीक है जी. तो लिहाजा एक ये रीजन है, जेन्युइन रीजंस ने जन्म दिया पेरोकियल पॉलिटिक्स को. अब पोलिटिकल पार्टीज ने भी अपने तई ये कोशिश नहीं की कि हम इस ट्रेंड को ख़त्म करें, उन्होंने उसी बेस को बनाया. यानी और सबसे बड़ा यहाँ पंजाब में आपको केस है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दूसरे सूबों में अपनी अक्सरियत हासिल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द सिंगल प्रोविंस ऑफ पॉपुलेशन फॉर्म्स 52% ऑफ द कंट्री. अगर आप एक सूबे की नेशनल असेंबली की सीट्स जीत जाते हैं यू फॉर्म द गवर्नमेंट एनीवे. ठीक है नहीं, तो इस पर भी सूबों को एतराज है कि भाई आप पॉपुलेशन के पास सूबों में. सारी बातें आपको समझ में आ गई. अब हम आते हैं थीसिस.